embryo development begins when the egg cell is fertilized. The growing pollen tube enters angiosperm embryo sac and releases two sperm cells. One sperm fertilizes central cell and initiates endosperm development. Nutrients for embryo. Other sperm fertilizes the egg to produce a zygote. Cell division soon follows, creating the embryo. देखिए इस डायग्राम में आप देखिए ये एक ओव्यूल का डायग्राम है. इस ओव्यूल में आप देखिए ये माइक्रोपाइलर ओपनिंग है यहाँ पर और इसके जस्ट ऑपोजिट साइड पर चेलेजल एंड होता है. ये पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से एंटर कर रही है और एंटर करके ये देखिए अपने दो मेल गैमेट स्पर्म्स को डिस्चार्ज कर रही है. एक स्पर्म देखिए यहाँ पर एग सेल से फ्यूज हो रहा है. ये देखिए एग सेल, तो एक स्पर्म एग सेल से जब फ्यूज होगा एग से तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए स्पर्म सेल जस्ट बिफोर फर्टिलाइजिंग एग सेल, तो ये दोनों देखिए दोनों पास में है. अब इन दोनों में जब फर्टिलाइजेशन होगा एक स्पर्म और एक एग में, तो यहाँ पर टू एंड सेल बनती जिसको हम जायगोट कहते हैं. तो एक स्पर्म एक एग से फर्टिलाइज होता है माइक्रोपाइलर एंड पर और यहाँ पर जायगोट का फॉर्मेशन करता है. और जबकि सेकेंड स्पर्म जो है वो सेंटर में देखिए ये दो पोलर न्यूक्लाई है, इन दोनों पोलर न्यूक्लाई से फ्यूज हो जाता है और फ्यूज होकर यहाँ पर एक थ्री एंड सेल का फॉर्मेशन करता है. ये थ्री एंड सेल जो होती है ये एंडोस्पर्म फॉर्मेशन करता है, तो इसको एंडोस्पर्म न्यूक्लाई कहते हैं. तो ये देखिए जायगोट और यहाँ पर एंडोस्पर्म, और ये सारा डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, ओव्यूल में. और ओव्यूल में किसका फॉर्मेशन होता है, फीमेल गैमेटोफाइट का, आपको पता है इसको हम एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं. तो ये हमने पढ़ा कि एक एग से जब एक स्पर्म फर्टिलाइज होता है तो उससे क्या बनता है, जायगोट बनता है. और दूसरा स्पर्म जब सेंटर में पोलर न्यूक्लाई से फ्यूज होगा तो वहां पर क्या बनेगा, एंडोस्पर्म. और ये एंडोस्पर्म का मेन फंक्शन क्या है, ये जो यहाँ पर जायगोट बन रहा है और इस जायगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, तो इसको न्यूट्रिशन का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा. तो ये यहाँ पर एंडोस्पर्म यहाँ पर डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. तो ये इसका मेन फंक्शन हो गया. ठीक है, नेक्स्ट ये एक ओव्यूल का डायग्राम है. आप देखिए ओव्यूल में आप देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ चेलेजल एंड है, ये नीचे की तरफ माइक्रोपाइलर एंड है. माइक्रोपाइलर एंड पर आपको याद है एग एपरेटस होता है. एग एपरेटस जो होता है दो सिनर्जिड से और एक एग से बनता है, जबकि चेलेजल एंड पर तीन एंटीपोडल सेल्स होती हैं. सेंटर में देखिए ये पोलन न्यूक्लाई है, पोलन न्यूक्लाई. अब ये पोलन ट्यूब जब आती है तो ये देखिए पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से यहाँ पर देखिए एंटर कर रही है, तो माइक्रोपाइलर एंड से पोलन ट्यूब एंटर करती है और एग सेल के कॉन्टेक्ट में आती है. तो देखिए यहाँ पर ये पोलन ट्यूब आई माइक्रोपाइलर एंड पर और यहाँ पर ये देखिए दो स्पर्म न्यूक्लाई है. अब नेक्स्ट स्टेज में देखिए एक स्पर्म तो ये एग के कॉन्टेक्ट में आ गया और सेकेंड स्पर्म जो है ये पोलर न्यूक्लाई के कॉन्टेक्ट में आ गया. तो ये चीज हमने फर्टिलाइजेशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं. द जायगोट गिव्स राइज टू एन एम्ब्रियो बाय अ प्री डिटरमाइंड सीरीज ऑफ सेल डिविजन्स एंड सेल डिफ्रेंशिएशन. तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो जायगोट बनता है जायगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, बट इसमें बहुत सारे सेल डिवीजन होते हैं, तो सेल डिवीजन की पूरी सीरीज होती है, उसके बाद जाके एक पूरा एम्ब्रियो डेवलप होता है और ये एम्ब्रियो में फिर सेल डिफरेंशिएशन होता है. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस. तो व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस, जायगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, जायगोट से एम्ब्रियो का बनना एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है. द एम्ब्रियो देन जर्मिनेट्स एंड ग्रो इनटू एन एडल्ट प्लांट. अब ये एम्ब्रियो क्या करता है, जर्मिनेट होता है, देन वो ग्रो करता है. तो जब ये एम्ब्रियो जर्मिनेट करेगा तो इससे आगे जाकर एडल्ट प्लांट यहाँ पर बनता है. इन सीड प्लांट्स एम्ब्रियोजेनेसिस अगर विद इन द एम्ब्रियो सैक ऑफ द ओव्यूल. जो सीड प्लांट्स होते हैं
उनमें एम्ब्रियोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो ओव्यूल के एम्ब्रियो सेट में पाया जाता है। एम्ब्रियो से क्या होता है, फीमेल गेमेटोफाइट। तो जब भी एम्ब्रियोजेनेसिस होगी, आपको पता है एम्ब्रियो बनेगा कहाँ, किससे बनता है, जायगोट से बनता है, और जायगोट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, फीमेल गेमेटोफाइट में, तो एम्ब्रियो सेक के अंदर होता है। तो इसलिए एम्ब्रियोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो भी ओव्यूल के एम्ब्रियो सेक के अंदर होता है। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो, आ टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो, ये देखिए एक टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो है, इसका डायग्राम है। तो डाइकोट और मोनोकोट में एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ये देखिए डाइकोट एम्ब्रियो है, तो डाइकोट एम्ब्रियो में देखिए, अ टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो हैज टू एम्ब्रियोनिक लीव्स कॉल्ड कॉटिलीडन्स अटैच्ड टू एन एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो देखिए ये डाइकोट एम्ब्रियो में दो कॉटिलीडन्स होती है, देख रहे हैं ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं दोनों, ये कॉटिलीडन्स हैं जो किससे अटैच होते हैं, ये एक एम्ब्रियोनल एक्सिस से अटैच रहते हैं। द एम्ब्रियोनिक शूट एपेक्स कॉल्ड प्लूमूल, तो ये देखिए ये एम्ब्रियोनिक शूट एपेक्स है, इसको हम प्लूमूल कहते हैं, और इस रीजन से ही शूट का डेवलपमेंट होगा आगे की तरफ। तो ये जो रीजन है एम्ब्रियोनिक शूट एपेक्स, इस शूट एपेक्स को ही हम प्लूमूल कहते हैं। तो देखिए द एम्ब्रियोनिक शूट एपेक्स कॉल्ड प्लूमूल दिस डेवलप इन द फ्यूचर शूट, तो यहाँ से जो शूट सिस्टम का डेवलपमेंट होगा, तो प्लूमूल से याद रखिएगा शूट सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। द एम्ब्रियोनिक रूट एपेक्स कॉल्ड रेडिकल दिस डेवलप्स इनटू द फ्यूचर रूट। अब देखिए एम्ब्रियोनिक ये देख रहे हैं रेडिकल, तो ये रूट एपेक्स होता है, और ये रूट एपेक्स जो रेडिकल होता है यहाँ से फ्यूचर में क्या डेवलपमेंट होता है, रूट का डेवलपमेंट होता है। तो शूट सिस्टम ऊपर डेवलप हो जाता है और रूट सिस्टम नीचे की तरफ डेवलप होता है। तो एक एम्ब्रियो जब टिपिकली डाइकोट एम्ब्रियो को आप इसकी स्टडी करते हैं तो इसमें दो टू लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हम कॉटिलीडन्स कहते हैं, और एक इसमें देखिए एम्ब्रियोनिक ये शूट एपेक्स होता है जिसको हम प्लूमूल कहते हैं, और ये प्लूमूल आगे जाकर शूट सिस्टम बनाता है। और जो रेडिकल वाला रीजन ये देखिए रूट एपेक्स, ये रूट एपेक्स को हम रेडिकल कहते हैं, और रेडिकल आगे जाके रूट बनाता है, तो रूट नीचे की तरफ पेनेट्रेट कर जाती है और शूट ऊपर की तरफ ग्रो कर जाता है। द पार्ट ऑफ एक्सिस अबाउ रेडिकल इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल, देखिए रेडिकल के ऊपर का जो पार्ट होता है ये वाला पार्ट देखिए, इसको हाइपोकोटाइल कहते हैं। तो रेडिकल का के ऊपर वाले पार्ट को हम हाइपोकोटाइल कहते हैं, जबकि रेडिकल का जो नीचे वाला जो उसको कवर करके रहता है पार्ट, उसको रूट कैप कहते हैं। द पार्ट ऑफ एक्सिस अबाउ रेडिकल इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल एंड बिलो द प्लूमूल इज कॉल्ड एपिकोटाइल, देखिए प्लूमूल की जो नीचे की तरफ ये वाला पार्ट होता है इसको हम एपिकोटाइल कहते हैं। रेडिकल के ऊपर वाला पार्ट तो हाइपोकोटाइल हो गया, और प्लूमूल के बिलो वाला जो पोर्शन है उसको हम एपिकोटाइल कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, देखिए अभी डाइकोट एम्ब्रियो में हम एक टिपिकल एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं कि डाइकोट में किस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो डाइकोट में एग्जांपल ले रहे हैं हम क्रूसिफर टाइप, जो क्रूसिफेरी फैमिली के मेंबर्स में जो डेवलपमेंट पाया जाता है वो किस तरह से होता है। तो देखिए द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द जायगोट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल मतलब होता है एक अनइवन, एक जैसा नहीं होता, एक स्मॉल सेल बनेगी तो एक लार्ज सेल बनेगी, एंड ट्रांसफर टू इट्स लॉन्ग एक्सिस producing a small apical cell and a large basal cell. तो देखिए जब भी zygote में first division होगा तो first division जो होता है asymmetrical होता है, uneven होता है, इसमें एक small cell बनेगी और एक large cell बनेगी। तो ये देखिए basal cell है और ये apical cell है, basal cell थोड़ी सी size में देखिए बड़ी है। तो इसके बाद देखिए the apical cell divides vertically, एपिकल सेल जो है ये देखिए एपिकल सेल्स में वर्टिकल डिवीजन हो रहा है, देख रहे हैं ये इस तरह से, तो एपिकल सेल में वर्टिकल डिवीजन होता है। एंड द बेसल सेल डिवाइड ट्रांसवर्ली, ये देखिए बेसल सेल में ये ऐसे ट्रांसवर डिवीजन हो जाता है, तो यहाँ पर ये ट्रांसवर डिवीजन हो गया टू फॉर्म अ फोर सेल स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रो एम्ब्रियो टी शेप्ड। अब देखिए इससे एक फोर सेल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, 1, 2, 3 एंड 4, इस फोर सेल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फोर सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। और ये कैसे शेप का होता है, टी शेप का, देख रहे हैं टी शेप का लग रहा है। तो जायगोट में एसिमेट्रिकल डिवीजन होगा,
जिससे क्या बनेगा, एक तो एपिकल सेल और दूसरी बेसल सेल। एपिकल सेल में एक वर्टिकल डिवीजन हुआ, बेसल सेल में क्या हुआ, एक ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ। इससे फोर सेल प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और ये टी शेप्ड होता है। द अपर थ्री सेल्स ऑफ द प्रो एम्ब्रियो डिवाइड फर्दर बोथ बाय एंटीक्लाइनल एंड पेरिक्लाइनल डिवीजन टू फॉर्म अ 32 सेल्ड ग्लोबुलर प्रो एम्ब्रियो। देखिए ऊपर की जो थ्री सेल्स होती हैं इनमें एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है, तो एंटीक्लाइनल डिवीजन और पेरिक्लाइनल होता है। पेरिक्लाइनल डिवीजन यानी पेरिफ्री की तरफ होगा और एंटीक्लाइनल यानी इस तरह से, देख रहे हैं आप, तो इस तरह से एक देखिए ग्लोबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। तो ऊपर की ये तीनों सेल्स में पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन होने से एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्लोबुलर प्रो एम्ब्रियो। ये नीचे की दो सेल रिमेनिंग है और ऊपर की ये सेल है, तो यहाँ पर ग्लोबुलर प्रो सेल बनता है। ये देखिए प्रो एम्ब्रियो, ये 32 सेल होता है। डेवलपमेंट ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ एम्ब्रियो और ऑर्गेनोजेनेसिस अकर्स इन द 32 सेल प्रो एम्ब्रियो। तब ये 32 सेल प्रो एम्ब्रियो में बाकी सारा डेवलपमेंट होता है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल ऑफ द ग्लोबुलर प्रो एम्ब्रियो डेवलप इन टू अ डिस्टिंक्ट लेयर कॉल्ड डर्मेटोजन विच फॉर्म द फ्यूचर एपिडर्मिस। देखिए जो ग्लोबुलर प्रो एम्ब्रियो बना, इस ग्लोबुलर प्रो एम्ब्रियो की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, डर्मेटोजन। ये डर्मेटोजन ही आगे फ्यूचर में जाकर क्या बनाती है, एपिडर्मिस। तो याद रखिएगा ग्लोबुलर प्रो एम्ब्रियो की आउटर मोस्ट लेयर आगे जाके डर्मेटोजन बनाती है और डर्मेटोजन जो है फ्यूचर में एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करती है। द इनर सेल ऑफ द अपर रीजन डेवलप इन टू द कॉटिलिडन्स। तो जो इनर सेल्स हैं उनका जो ऊपर वाला रीजन होता है वहां पर कॉटिलिडन्स और प्लूमूल का फॉर्मेशन होता है, वाइल द लोअर सेल डेवलप इन टू द रेडिकल। तो जो ग्लोबुलर प्रो एम्ब्रियो बना उसमें जो उसके अंदर का जो रीजन है ऊपर की तरफ जो टिप पर है उसकी इनर सेल है वो तो कॉटिलिडन्स, और देखिए ये मान लो ग्लोबुलर प्रो एम्ब्रियो है तो ऊपर वाला रीजन तो क्या बना रहा है, तो कॉटिलिडन्स बना रहा है और दूसरा क्या बना रहा है, प्लूमूल बना रहा है, और नीचे वाला रीजन क्या बनाएगा, रेडिकल बनाएगा। तो ये प्रो एम्ब्रियो आप इसको एज्यूम कर सकते हैं कि ऊपर वाले सेल्स जो इनर वाली सेल्स है ऊपर की तरफ वो कॉटिलिडन्स और प्लूमूल का फॉर्मेशन करती है, वाइल द लोअर सेल्स डेवलप इन टू द रेडिकल, जबकि नीचे की सेल्स जो होती है वो रेडिकल का फॉर्मेशन करती हैं। द कॉटिलिडनरी सेल्स डिवाइड रैपिडली देन द प्लूमूल सेल। जो कॉटिलिडनरी सेल्स होती है तेजी से डिवाइड होती हैं, किसके कंपेयर में, प्लूमूल सेल्स की। देखिए प्लूमूल तो छोटा सा रह गया रीजन, ये देखिए, और कॉटिलिडनरी सेल इतनी फास्ट रैपिडली यहाँ डिवाइड होती है कि देखिए इसका साइज बड़ा हो गया, तो ये फास्ट डिवाइड होती है कंपेयर टू प्लूमूल सेल्स। तो प्लूमूल के कंपेयर में ये फास्ट डिवाइड होती है, तेजी से डिवाइड होती है। When the cotyledonous cell divide rapidly than the plumule cell, therefore the embryo becomes heart shaped. अब embryo यहाँ पे कैसा हो गया, देखिए थोड़ा heart shape हो जाता है। When the cotyledons are completely formed, they enclose the plumule at the base. जब ये cotyledons completely develop हो जाता है तो ये plumule को base से क्या कर लेता है, enclose कर लेता है। देख लो यहाँ पे, यहाँ से इसको cover कर लिया इसने थोड़ा सा। The lower most cells formed by the basal cell does not contribute the embryo structure. तो जो lower most cells होती हैं, basal cell की जो lower most cells होती हैं, वो embryo की structure के development में participate नहीं करती हैं। It may divides by a few transverse division to form a filamentous structure. तो embryo की जो basal cell है उसमें कोई division नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वो transversely divide होती हैं और डिविजन डिवाइड होकर एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं जिन्हें हम सस्पेंसर कहते हैं, विच एंकर्स द एम्ब्रियो टू द एम्ब्रियो सैक वॉल। और इसका मेन फंक्शन क्या है, सस्पेंसर एम्ब्रियो को एम्ब्रियो सैक के अंदर उसकी वॉल के अंदर बनाए रखता है एंड हेल्प्स इन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सराउंडिंग टिश्यू। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, सस्पेंसर एक तो एम्ब्रियो को एम्ब्रियो सैक वॉल के अंदर बना के रखेगा, दूसरा क्या करता है ये उसके चारों तरफ की जो टिश्यूज हैं उन टिश्यूज से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। तो उसे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का मेन फंक्शन किसका है, सस्पेंसर का। तो
बेसल सेल का मेन फंक्शन क्या हुआ, ये ट्रांसवर्सली डिवाइड होगा, डिवाइड होकर एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम सस्पेंसर कहते हैं, और ये सस्पेंसर का मेन वर्क क्या है, ये फंक्शन है कि एम्ब्रियो को एम्ब्रियो सैक वॉल में बनाए रखता है, और साथ में इसके चारों तरफ जितनी भी सराउंडिंग टिश्यूज हैं उनसे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का वर्क करता है। तो इस तरह से ये डाइकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। अब डाइकोट एम्ब्रियो का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो देखिए स्ट्रक्चर कैसा होता है डाइकोट का, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो आ गया। अभी ये तो डाइकोट का था, अब मोनोकोट में कैसा स्ट्रक्चर होता है देखिए। द मोनोकोट एम्ब्रियो हैज अ सिंगल, अ मोनोकोट एम्ब्रियो हैज अ सिंगल कॉटिलीडंस, देखिए मोनोपोट एम्ब्रियो में क्या होता है, एक सिंगल कॉटिलीडंस होता है सिर्फ, और उसको हम क्या कहते हैं स्कूटेलम। द प्लूमोल एंड रेडिकल आर लेटरल इन पोजीशन, और प्लूमोल और जो रेडिकल होता है वो क्या होता है लेटरल पोजीशन में। देखिए ये जो डायग्राम दे रखा है इसमें कॉटिलीडंस सिंगल है, आप देख रहे हैं इसमें डबल कॉटिलीडंस नहीं है। तो ये डायग्राम मोनोपोट एम्ब्रियो का है, ग्रास में पाया जाता है। देखिए इसमें सिंगल कॉटिलीडंस है और ये देखिए प्लूमोल देखिए, तो ये इन दोनों की और ये रेडिकल, इनकी पोजीशन देखिए सबकी लेटरल पोजीशन है, सब एक साइड में है। द प्लूमोल एंड रेडिकल आर लेटरल इन पोजीशन, ये देखिए प्लूमोल और रेडिकल दोनों की लेटरल पोजीशन है। द प्लूमोल इज प्रोटेक्टेड बाय अ कवरिंग ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉलियोप्टाइल। तो देखिए प्लूमोल जो है ये देखिए एक ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू कवर्ड है, प्रोटेक्टेड है, इसको हम कॉलियोप्टाइल कहते हैं। तो मोनोकोट एम्ब्रियो में प्लूमोल एक कॉलियोप्टाइल के द्वारा प्रोटेक्टेड रहता है। द रेडिकल इज प्रोटेक्टेड बाय रूट केव, देखिए ये रेडिकल वाला रीजन है यहाँ पर, और ये रूट केव के थ्रू क्या होता है प्रोटेक्टेड होता है, और साथ में कोलियोराइजा, ये देखिए कोलियोराइजा। तो ये एक टिपिकली मोनोकोट एम्ब्रियो है, जो ग्रास का एग्जाम्पल लिया है, तो इनमें देखिए रेडिकल और प्लूमोल दोनों लेटरली अरेन्ज है, और प्लूमोल जो है कॉलियोप्टाइल के द्वारा प्रोटेक्टेड है, और रेडिकल जो है रूट कैप और कॉलियोराइजा के थ्रू क्या है प्रोटेक्टेड है। और कॉटिलीडंस कितने होते हैं मोनोकोट में, सिंगल होते हैं आपको पता ही है, और उसको हम स्कूटेलम कहते हैं। तो ये मोनोकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर हो गया। अब मोनोकोट एम्ब्रियो का अगर डेवलपमेंट देखें हम, अभी तो हमने पढ़ा था डाइकोट, अब ये क्या है मोनोकोट। मोनोकोट में देखिए क्या है, द फर्स्ट डिविजन ऑफ द जायगोट इज ऑब्लिक, ऑब्लिक मतलब होता है तिरछा। तो फर्स्ट डेवलपमेंट जो डिविजन होता है जायगोट में वो क्या होता है ऑब्लिक, ये देखिए ये थोड़ा सा ये देख रही है तिरछा, एसिमेट्रिकल एंड ट्रांसवर्स, एसिमेट्रिकल भी है और ट्रांसवर्स भी, देखिए ऑब्लिक डिविजन एसिमेट्रिकल एंड ट्रांसवर्स, या तीनों पोजिशन आपको दिख रही है। प्रोड्यूसिंग अ स्मॉल एपिकल सेल, तो इससे क्या होगा एक स्मॉल एपिकल सेल बनेगी, एंड अ लार्ज बेसल सेल, बॉटम पे क्या बनेगी लार्ज बेसल सेल का फॉर्मेशन होता है। बोथ सेल्स डिवाइड अगेन एट राइट एंगल्स टू द फर्स्ट डिवीजन, तो हमेशा फर्स्ट डिवीजन के राइट एंगल पर दोनों सेल डिवाइड होती हैं, और इससे क्या बन जाता है फोर सेल्ड स्ट्रक्चर बना, ये फोर सेल्ड स्ट्रक्चर जो इसको हम प्रो एम्ब्रियो कह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ऑब्लिक डिविजन हुआ, दूसरा ट्रांसवर्स डिविजन होगा, बट ये डिवीजन फर्स्ट डिवीजन के राइट एंगल पे होंगे, और इससे फोर सेल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, इस फोर सेल्ड स्ट्रक्चर को हम प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। फर्दर डिवीजन एट डिफरेंट प्लेन्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए 16 सेल्ड एंड देन 13 सेल्ड 32 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। अब क्या होगा इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में डिवीजन होगा, इससे ग्रुप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और सेल्स का नंबर क्या होता है पहले 16 सेल्ड स्ट्रक्चर बनता है, देन 32 सेल्ड स्ट्रक्चर बनता है। डेवलपमेंट ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ एम्ब्रियो और ऑर्गेनोजेनेसिस अकर इन द 32 सेल प्रो एम्ब्रियो। अब ये 32 सेल जो प्रो एम्ब्रियो बनाए इससे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, तो इसी को हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। जब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा तो इसको हम क्या कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। The cells of the lateral apical region develop into the single cotyledons or scutellum. तो इसकी जो lateral की साइड की जो cells है वो divide होकर एक single lateral में cotyledons का formation करती है। तो इसकी growth कैसे होगी, इस side पर होगी, अगर ये divide होगा तो इसी side पर होगा,
तो यहाँ पे लेटरल रीजन में क्या बन जाएगा, एक सिंगल, देख रहे हैं ये वाला कॉटिलीडनरी इनिशियल, तो ये रीजन डिवाइड होगा और यहाँ पर एक कॉटिलीडन्स का फॉर्मेशन कर देता है, तो ये देखिए सिंगल कॉटिलीडन बन गया। द आउटर लेयर ऑफ सेल्स डेवलप इंटू कॉलियोप्टाइल रूट कैप एंड कॉलियोराइजा, तो इसकी जो आउटर रीजन होता है वो सारे ये वाले रीजन बना लेता है, रेडिकल, कॉलियोप्टाइल, रूट कैप, तो ये सारा सिस्टम इसका आउटर रीजन करता है। इनर वाला रीजन तो क्या कर लेगा, वो यहाँ पर लेटरल एपिकल रीजन पर ये क्या बना लेता है, सिंगल कॉलियोप्टाइल, ये कॉटिलीडन्स का फॉर्मेशन कर देता है। और इसके बेस का नीचे वाला रीजन जो होगा यहाँ पर वो प्लूमूल का फॉर्मेशन करेगा, फिर रेडिकल बनाएगा, और फिर उसके आउटर मोस्ट ये रीजन जो है ये यहाँ पर इसके चारों तरफ रूट कैप बना देगा, इसको कवर कर देगा, और कॉलियोप्टाइल और कॉलियोराइजा बाकी जितना भी है ये इसके साइड वाली सेल से फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये टिपिकली मोनोकोट में, मैक्सिमम मोनोकोट में इसी तरह का डेवलपमेंट होता है। प्लांट एम्ब्रियोजेनेसिस बिगिन विद एन एसिमेट्रिकल सेल डिवीजन रिजल्टिंग इन अ स्मॉलर एपिकल सेल एंड अ लार्ज बेसल सेल, देन पेरिक्लाइनली एंटीक्लाइनली फोर सेल स्टेज। ये वापस फर्दर वही देखिए आप बता दिया, ये देखिए जायगोट है, टर्मिनल बेसल सेल, तो ये वापस इन्होंने इसी चीज को डिटेल में बता दिया है। ये देखिए जायगोट है, टू सेल बना, फिर एट सेल, 16 सेल, फिर अर्ली ग्लोबुलर, ये डाइकोट का है। देखिए ये टू कॉटिलीडन्स बन रहे हैं, देख रहे हैं आप टू कॉटिलीडन्स, ये नीचे रेडिकल वाला सिस्टम रूट बना रहा है देखिए, और प्लूमूल वाला जो ऊपर वाला सिस्टम होता है वो ऊपर जाके क्या बनाएगा, धीरे धीरे शूट सिस्टम फॉर्म करेगा। तो ये डाइकोट में एम्ब्रियो डेवलपमेंट है। ये जीन्स इन्वॉल्व इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट, तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में कुछ जीन्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, म्यूटेंट्स लैकिंग बॉडी सेगमेंट्स अलोंग द एपिकल बेसल एक्सिस, दिस क्लास इंक्लूड, देखिए जो इसको एम्ब्रियो डेवलपमेंट में जो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, उसकी एक क्लास होती है, तो दिस क्लास इंक्लूड, देखिए ये जीन्स का नाम है गर्के, जी यू आर के ई, तो जी के बोल दिया, ये देखिए फैकल एफ के, मोनोटेरस तो एम पी, एन जी एन ओ एम, ये देखिए नॉम, तो ये इनकी ये जीन्स है, ये जो जीन्स है ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। शो अ लॉस और डिस्टॉर्शन ऑफ द रूट हाइपोकोटाइल एंड कॉटिलीडन रीजंस, तो ये अगर इनमें लॉस हो जाए इन जीन में, तो अगर लॉस होगा तो इससे क्या होगा, ये वाले जो रीजंस है उसका भी डिस्टॉर्शन हो जाएगा। म्यूटेंट्स विद डिस्टर्ब रेडियली सिमेट्रिकल, अगर म्यूटेंट्स जो है वो रेडियली डिस्टर्ब हो जाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, अल्ट्रेशन ऑफ द रेडिकल पैटर्न ऑफ टिश्यू लेयर्स, तो वो भी इफेक्टेड होगा। दिस क्लास इंक्लूड, देखिए इस क्लास में ये जीन इन्वॉल्व है, तो ये जीन्स हैं जो कुछ इनमें क्या करते हैं, ये यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। तो इसमें देखिए म्यूटेंट्स विद डिस्टर्प्टेड ऑर्गेनोजेनेसिस, दिस म्यूटेंट्स हैव ग्रॉसली एबनॉर्मल ओवरऑल शेप बट हैव ऑल ऑफ द पैटर्न एलिमेंट्स अलोंग द एपिकल बेसल एंड रेडिकल एक्सिस, दिस क्लास इंक्लूड, ये सारे जीन्स हैं। तो ये सारे जीन्स क्या हैं, ये इनके पैटर्न्स को डिसाइड करते हैं, और अगर इनमें जीन में एबनॉर्मलिटीज आ जाती है तो इन पार्ट्स में भी एबनॉर्मलिटीज आ जाती है। तो ये जीन है जो इसके फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में इन जीन्स का इम्पोर्टेंट रोल है। अब एम्ब्रियोजेनेसिस की अगर डेफिनेशन याद करनी है तो आप कर सकते हैं, इज डिफाइंड एज द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट, तो जायगोट से एम्ब्रियो के डेवलपमेंट और फॉर्मेशन को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। अगर वन मार्क्स का क्वेश्चन पुट अप होता है व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस या डिफाइन एम्ब्रियोजेनेसिस, तो आप कहेंगे जायगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट और फॉर्मेशन को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। स्टेप्स, ये वही चीजें वापस रिपीट हो गई, स्टेप्स जो हमने डाइकोट एम्ब्रियो में पढ़ा था सेम देख लीजिए, ये रहा जायगोट से बन रहा है, देखिए अब देखिए सीड, अब सीड कैसे बनता है। इन मेनी एंजियोस्पर्म डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इज अरेस्टेड सून आफ्टर मेरिस्टेम एंड कॉटिलीडन्स डिफरेंशिएट,
तो एंजियोस्पर्म में क्या होगा, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद अब इसमें क्या होगा, धीरे धीरे आपको पता है कॉटिलिडन्स और ये मेरिस्टेम ये सब डिफरेंशिएट होने लग जाते हैं। द इंटेग्यूमेंट्स डेवलप इनटू अ रिलेटिवली इम्परमेबल सीड कोट। जो इंटेग्यूमेंट्स थी, जो हमने पढ़ा था ओव्यूल के चारों तरफ क्या होती है, इंटेग्यूमेंट्स होती हैं, वो इंटेग्यूमेंट्स तो सीड कोट में कन्वर्ट हो जाती हैं। एनक्लोज द सीड विद इट्स डॉर्मेंट एम्ब्रियो एंड स्टोर्ड फूड। अब ओव्यूल के सेंटर में क्या बना, एक तो जायगोट बना था, जायगोट से एम्ब्रियो बना, और सेंटर में क्या बना था, एंडोस्पर्म। तो ये सारे टिश्यू जो है इसके अंदर क्या रहते हैं, इनक्लोज रहते हैं सीड के अंदर। तो सीड के अंदर क्या हो गया, एक तो एम्ब्रियो हो गया, दूसरा एंडोस्पर्म हो गया। तो ये सारे सीड के अंदर स्टोर्ड होते हैं। तो ओव्यूल ही बाद में क्या होता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ओव्यूल का जो इंटेग्यूमेंट है वो क्या करेगा, वो उसमें सीड कोट बना लेता है, और एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म उनके अंदर क्या रहते हैं, इनक्लोज रहते हैं, डोरमेंट कंडीशन में इसके अंदर रहते हैं। अब देखिए फ्रूट्स, फ्रूट्स कैसे बनता है, जब सीड्स मैच्योर हो जाएंगे, ओवरी मैच्योर हो जाएगी, तो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो ड्यूरिंग सीड फॉर्मेशन फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट्स। देखिए तो सीड के फॉर्मेशन के दौरान ही क्या होता है, वो फ्लावर जो होता है बाद में फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। पिस्टिल के लिए क्या टर्म यूज की जाती है, वन और मोर कार्पल्स। पिस्टिल मतलब वन और मोर कार्पल्स, और कार्पल्स का मीनिंग होता है जो आप एक सिंगल ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी, इसको हम सिंगल कार्पल कहते हैं। अगर एक फ्लावर का एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की हम बात करें सिंगल, तो इसको हम कार्पल कहेंगे। तो कार्पल क्या होता है, इसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होती है, और जब एक या एक से अधिक कार्पल्स मिल जाते हैं तो उसको हम पिस्टिल कहते हैं हम। The ovary wall is termed the pericarp. अब ये ओव्यूल है, ओव्यूल किसमें, ओवरी के अंदर होता है, ओवरी की जो वॉल होती है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प। हैज थ्री लेयर्स। अब पेरिकार्प जो होती है, पेरिकार्प में थ्री लेयर्स होती हैं, एक्सोकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। वन, सम और ऑल ऑफ दीज लेयर डेवलप टू रिकॉग्नाइज फ्रूट। अब ये सारी की सारी जो लेयर्स होती है वो फ्रूट में क्या करती है, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। फ्रूट कैन बी ड्राई भी हो सकता है, फ्लैशी हो सकता है, फ्रूट सिंपल यानी सिंगल कार्पल हो सकता है, उसमें एग्रीगेट्स होते हैं, ऐसे में मल्टीपल कार्पल्स भी हो सकते हैं, इसमें मल्टीपल फ्लावर्स भी हो सकते हैं। तो ये सीड का फॉर्मेशन, फ्रूट का फॉर्मेशन आ गया। अब जब सीड बन गया तो अब उसमें जर्मिनेशन होगा। तो जर्मिनेशन कैसे होता है, देखिए जर्मिनेशन, जर्मिनेशन इज डिफाइंड एज द एमर्जेंस ऑफ द रेडिकल फ्रॉम द सीड कोट। देखिए अब रेडिकल जो होता है वो सीड कोट से बाहर की तरफ आएगा, जैसे जर्मिनेशन स्टार्ट होगा तो उसका सीड कोट जो है उससे रेडिकल बाहर आ जाता है। जर्मिनेशन बिगिंस व्हेन अ सीड एब्जॉर्ब वाटर एंड ऑक्सीजन इज अवेलेबल फॉर मेटाबॉलिज्म। अगर उसको ऑक्सीजन और वाटर का प्रॉपर अमाउंट उसको मिलता है तो ये सीड इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। द फर्स्ट स्टेप इन बार्ले सीड जर्मिनेशन इन इम्बाइशन। तो देखिए बार्ले के सीड में जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो उसकी जो फर्स्ट स्टेप होती है इसको इम्बाइशन कहते हैं हम। इन दिस प्रोसेस वाटर पेनिट्रेट्स, देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है, वाटर पेनिट्रेट्स द सीड कोट एंड बिगिंस टू सॉफ्टन द हार्ड ड्राई टिश्यू इनसाइड। तो ये जो वाटर जब इसके सीड के अंदर एंटर करेगा बार्ले सीड में, तो इसका जो सीड कोट होता है वो वाटर एब्जॉर्ब करने के कारण क्या हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है, और अंदर के टिश्यू भी धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगते हैं। और द वाटर अपटेक कॉजेज द ग्रेन टू स्वेल अप। जैसे वाटर का अपटेक होता है अंदर की तरफ, और ये सीड जो होता है वो ग्रेन जो होता है स्वेल अप हो जाता है, थोड़ा सा फूल जाता है। द सीड और फ्रूट कोट यूजुअली स्प्लिट्स, और ये सीड और जो सीड कोट है ये क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है यहाँ से, और ओपन अलाउिंग वाटर टू एंटर इवन फास्टर। तो यहाँ से जब सीड कोट यहाँ से क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा, तो वाटर को अंदर पेनिट्रेट करने के लिए अलाउ करता है ये। द वाटर बिगिंस टू एक्टिवेट द बायोकेमिस्ट्री ऑफ द डोरमेंट एम्ब्रियो। तो अब ये जब वाटर अंदर एंटर करेगा तो इससे क्या होता है, ये सीड है ना एक्टिवेट हो जाएगा, और इनमें बायोकेमिकल प्रोसेस इजिली होने लगते हैं। तो ये बायोकेमिकली अब ये सीड क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया।
तो देखिए वॉटर की एंटर कब करेगा, जब सीड कोट थोड़ा सा सॉफ्ट होएगा, यानी यहाँ पर इसका सीड कोट स्प्लिट होगा, स्प्लिट हुआ वॉटर अंदर एंटर कर गया, एंटर करने के बाद इसके अंदर के टिश्यू भी सॉफ्ट हो गए और ये थोड़ा सा सीड जो है वो सेल अप कर जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जिब्रेलिक एसिड विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय द वॉटर अराइज एट द एलिरोन लेयर। अब ये जैसे ही वॉटर अंदर एंटर करा, इस वॉटर के थ्रू ये जिब्रेलिक एसिड जो है ये सीड की एलिरोन लेयर, ये देख रहे हैं एलिरोन लेयर, इसकी तरफ माइग्रेट करता है। तो वॉटर में ही आया था ये जिब्रेलिक एसिड, और ये जिब्रेलिक एसिड अब यहाँ पे कहाँ पे माइग्रेट कर जाता है, ये सीड की एलिरोन लेयर में, देख लीजिए यहाँ की तरफ माइग्रेट कर रहा है, यहाँ पे अराइव कर रहा है। द जिब्रेलिक एसिड क्रॉसेस इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एलिरोन लेयर सेल्स एंड टर्न ऑन सर्टेन जीन्स इन द न्यूक्लियर जीन। तो जैसे ही ये जिब्रेलिक एसिड ये एलिरोन लेयर के पास इसके साइटोप्लाज्म में आता है, तो वहां पे क्या होता है, इसका साइटोप्लाज्म जो जीन है, जो सर्टेन जीन होते हैं, इसको वो न्यूक्लियर जीन में क्या हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म के कुछ सर्टेन जीन होते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, न्यूक्लियर जीन में। डीएनए इज ऑफ कोर्स द हेरिडिटरी मॉलिक्यूल एंड कंटेन द इंस्ट्रक्शंस फॉर द मेकिंग एनर्जी प्रोटीन नीडेड फॉर द सर्वाइवल ऑफ बार्ले प्लांट। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो ये जो जीन है यानी इसमें डीएनए है, और ये डीएनए किसमें कन्वर्ट होगा, आरएनए में, और आपको पता है आरएनए मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होता है, देन प्रोटीन बनता है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, सेंट्रल डॉग्मा। तो देखिए डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से फिर यहाँ पे प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं। तो आपने जब सिंथेसिस पढ़ा होगा, रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, तो इसमें ये पूरा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर इसके साइटोप्लाज्म में जो जीन थे वो न्यूक्लियर जीन में कन्वर्ट हुए, न्यूक्लियर जीन में डीएनए है, डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होगा, आरएनए से मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये सेम वही चीज है, ये पूरा मैंने जो बताया आपको सेंट्रल डॉग्मा, इस पूरे प्रोसेस को हम सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं। रिलीजिंग शुगर फ्रॉम कॉटिलीडन सो दैट एम्ब्रियो कैन ग्रो। तो कॉटिलीडन से शुगर रिलीज होती है, जिससे क्या होता है एम्ब्रियो फिर ग्रो करता है। एम्ब्रियो प्रोड्यूसेस जिब्रेलिक एसिड, एम्ब्रियो में जिब्रेलिक एसिड बनता है। दिस हार्मोन सिग्नल द एलिरोन टू प्रोड्यूस अल्फा अमाइलेज। याद रखिएगा यहाँ पर जिब्रेलिक एसिड जो है वो एलिरोन लेयर को सिग्नल देता है। क्या सिग्नल देता है, वो अल्फा अमाइलेज के प्रोडक्शन के लिए सिग्नल देता है। तो यहाँ पर अल्फा अमाइलेज का जो सिंथेसिस होगा उसके लिए सिग्नल किससे मिलता है, जिब्रेलिक एसिड से मिलता है। ब्रेक डाउन द एंडोस्पर्म स्टार्च इनटू शुगर। अब यहाँ पर जो उसके एंडोस्पर्म में बाले का जो सीड है उसके एंडोस्पर्म में जो स्टार्च होता है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। देट आर पास टू द एम्ब्रियो, फिर ये किसमें चला जाता है, एम्ब्रियो में मूव कर जाता है। तो ये था आज का प्रोसेस जो हमने मोनोकोट और डाइकोट में